अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एलिडे रजनी क्वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 36, डिफ्रैक्शन प्रॉब्लम 23। वो कहता है दो हेडलाइट्स हैं जो अप्रोच गाड़ी की हेड ऑटोमोबाइल की जो 1.4 मीटर अपार्ट है, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की एंगुलर सेपरेशन बतानी है। मैक्सिमम डिस्टेंस के आंखें कितने फासले से उनको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट करके देख सकती हैं। इसमें मानना क्या है कि हमारा जो आंख की पुतली है उसका डायमीटर 5 मिलीमीटर है और जो लाइट वहां से आ रही है वो 550 नैनोमीटर की है। हम ये भी अज्यूम करेंगे कि डाइफ्रेक्शन जो है इफेक्ट है वो सिर्फ उसकी रेजोल्यूशन को लिमिट कर रहा है, उसमें आपके पास रिलायंस क्राइटेरियन अप्लाई नहीं किया, अप्लाई किया जा रहा है। अब क्या जनाब, थीटा आपके पास 1.22 लैम्डा ओवर डी होता है। अब हमें वेवलेंथ भी दे दिया है, डायमीटर भी दे दिया है, तो एंगुलर सेपरेशन निकाली जा सकती है। तो ये 1.34 टेन रेज पर -4 रेडियन आ जाएगा। फिर डिस्टेंस की बात करें तो एल इज इक्वल टू डी बाई आर थीटा हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से हमें डी भी दिया हुआ है कि 1.4 मीटर का डायमीटर है, उनके बीच की जो दूरी है। फिर आपके पास थीटा भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 10 किलोमीटर की दूरी से इंसानी आंख उसको रिजॉल्व करके देख सकती है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।